बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है नाजरीन जिस औरत की बेटियां ज्यादा होती है वो औरत हमेशा नेक और खुशकिस्मत होती है देर से नींद आना दिमाग तेज होने की अलामत है जुम्मे वाले दिन आंखों में सुरमा डालने से नजर तेज हो जाती है जुम्मे के दिन नाखून काटने से जील की बीमारी नहीं होती जो लकड़ी की आग पर खाना बनाते हैं वो सेहतमंद रहते हैं दोपहर के वक्त सलाद का इस्तेमाल उम्र के अंदर इजाफा करता है बेंस का दूध जिसम को मोटा करता है गाय का दूध पी लेने से जवानी नजर आ जाती है चींक को कभी मत रोके क्योंकि इसे मर्दाना कमजोरी होने का हदशा कहा जाता है शाम को कभी मीठी चीजें ना खाओ बल्कि कड़वी चीजें काया करो क्योंकि इससे सेहत ठीक रहती है ज्यादा चाय पीना आपकी जिल्द को खराब करता है और नजर को कमजोर करता है दोपहर में सिर्फ दो कीड़े काने से मोटापा तेजी से दूर हो जाता है निहार मुंह अदरक की खुशबू सोंग लिया करो क्योंकि इससे फालिज की बीमारी नहीं होगी सुबह के वक्त सब्ज चीजें ज्यादा देखने से आपकी नजर तेज होगी सीने में अगर बलगम हो तो पालक के साथ कलवंजी काया करो जो लोग कंगी बहुत कम करते हैं ऐसे लोगों के बाल जल्दी गिर जाते हैं निहार मुंह दार चीनी का मश्क सूंघने से दिमाग तेज हो जाता है हमेशा फिट रहने के चंद उसूल नाश्ता हमेशा बादशाहों के जैसा करो दोपहर का खाना आम लोगों के जैसा खाओ और रात को गरीबों के जैसा खाना खाया करो ज्यादा मिर्च मसाला खाने से बहुत जल्द एलर्जी पैदा हो जाती है शाम को प्याज खाने वाले बवसीर जैसी बीमारी घेर लेती है शाम को चावल खाने वालों की चर्बी बहुत तेजी से बढ़ती है अगर आप अपने सर की जुए बगाना चाहते हो और की दूर करना चाहते हो तो रोजाना चम्बीली का तेल लगाया करो काने के फौरन बाद चाय पीने से काना हजम नहीं होने देती अंधेरे में कभी काना मत काओ दूध जलीबी काने से जिस्म को ताकत मिलती है जिम्म का दर्द दूर हो जाता है और जहनी तस्कीन हासिल हो जाती है अगर आपको मादे की बीमारी कमजोरी हो तो सुगुदाना बनाकर सुबह शाम काले चंद इस्तेमाल करने से मादा तवाना हो जाएगा लीमू के छिलके पर चीनी लगाकर होंटो पर रगड़ो होंटू का कालापन खत्म हो जाएगा अगर आप सोने से पहले शहद चाट ले तो आपको नींद अच्छी आएगी रोजाना ग्रीन टी का एक कप पी लो ये मादे में गैस होने से रोकेगा शाम के वक्त केला खाने से सीने के अंदर बलगम पैदा होते हैं अंगूर दिमाग की जहानत में इजाफा करते हैं और दिमाग को भी तेज करते हैं चटनी में काला नमक शामिल कर दो काफी दिनों तक खराब नहीं होगी सफेद आटा मादे के मसाइल बढ़ाता है सफेद आटे में फाइबर नहीं होता जिसकी वजह से डिप्रेशन सर दर्द और मोटापे जैसी बीमारियां होती हैं बदन में ताकत पैदा करना चाहते हो तो रोजाना सुबह घास पर नंगे पांव चला करो एक से ज्यादा तिली हुई चीजें यानी समोसा पकोड़ा, वगैरह वगैरह मत काया करे हर काने से आधा घंटा कबल दो गिलास पानी पिए और काने के घंटे बाद पानी पिए मादी की बीमारी कभी करीब भी नहीं आएगी अगर आपको भूख न लगने का मसला हो या भूख लगने पर काने का दिल न करे तो ऐसे में गुड़ का इस्तेमाल किया करें खजूर के बाद फौरन पानी कभी मत पीना क्योंकि इससे हाजमा बिगड़ जाता है अमरूद मसाने की कमजोरी को दूर करता है पेट के की कीड़े खत्म करता है और खूनी बवसीर के लिए आबे हयात है एलोवेरा का पानी नीम गर्म करके सर पर लगाने से दर्द दूर हो जाता है सोने के बाद भी सस्ती पड़ रहे हो तो ये आंखों में नींद बाकी हो तो समझ जाए कि दिमाग कमजोर होता जा रहा है निहार मुंह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं सब्ज मिर्च कच्ची काया करो नजर तेज हो जाया हो जाएगी लहसन का रस नमक डालकर पीने से पेट का दर्द गायब हो जाता है दांत में दर्द हो तो इलायची वाले चाय पियो पान, पानी कम पीने वाले बंदी की गुर्दे जल्दी खराब हो जाते हैं चने की दाल पीसकर अपने चेहरे पर लेप करवाने से दाने कभी नहीं निकलेंगे नीम गर्म पानी पीने वाले लोग हमेशा जवान नजर आते हैं रात को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो रोजाना सेब गाया करो साग या पालक काकर काने से रात को बार बार पेशाब आना बंद हो जाते हैं कच्चे दूध चेहरे पर लेप करो चेहरे की जल्द खूबसूरत और तरोताजा नजर आएगी अगर आप हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहते हो तो रोजाना सुबह उबला हुआ अंडा काया करो जो लोग मछली ज्यादा काते हैं वो दिल की बीमारियों में मुबतला नहीं होते मछली का इस्तेमाल सर्दियों में ज्यादा करें ज्यादा सोचने वाला इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है सूर रहमान ग्यारह मरतबा पढ़कर जायज हाजत के लिए दुआ करो इनशाला पूरी होगी अनार काने से रंग सुरख होता है जिस घर के अंदर खुशहलाक औरत रहती हो वहां गुर्बत दरवाजा नहीं कटकटाती। इन चीजों से बीमारियां आती है निहाने की जगह पर पेशाब करना बैतुलखला में बातें करना मगरब के टाइम सोना और बगैर हाथ धोने के काने पैर बैठ जाना